इस वीडियो का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन इसका स्टेटमेंट है लेट ए कंजर्वेटिव हॉर्नोमिक डायनामिकल सिस्टम बी डिफाइंड बाय एन जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू वन क्यू टू डॉट 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 अप टू क्यू एन एट टी लेट टी बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम देन दिस इंटीग्रल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम t0 टू t1 to tdt be the action of the system then principle of least action states that if we consider all logical possible motion from a fixed configuration qkt 0 to another fixed configuration qkt 1 of a dynamical system of fixed total energy then delay equals to 0 for an actual motion given by Lagrange's equation. Proof: Since xn is given by this integral, integration from t0 to t1 to, TdT, to t dt. 2t can be written like this: t plus b plus t minus b. And we know this t plus b is the total energy, or we can say it is H, Hamiltonian. क्योंकि t प्लस बी का वैल्यू हैमिल्टोनियन H होता है और t माइनस बी का वैल्यू लंगराजियन L होता है सो so, इंटीग्रेशन को हम लोग दोनों में कर दिए पहले तो H में अलग इंटीग्रेशन आफ्टर दैट L में अलग इंटीग्रेशन इस स्टेप में अब H हम लोग का क्या है टोटल एनर्जी है t प्लस बी तो H अभी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो H को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से और इस तरह से अगले स्टेप में हम लोग टी को इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ये वाला टर्म एच टी वन माइनस टी नोट और दूसरा जो इंटीग्रेशन है यह इंटीग्रेशन एल का इंटीग्रेशन है एंड दिस इज हेमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन सो ए इज एच टी वन माइनस टी नोट प्लस हेमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन और इस तरह से हम लोग हेमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन को एस लिखें तो ए को लिख सकते हैं एच

इंटीग्रल ऑफ दंग्रांजियन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम टी नोट टू टी वन तो इसमें S, मतलब डेल ऑपरेट कर दिए सो डेल एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल एंड डेल एल इज गिवन बाय दिस दिसन सिग्मा के इक्वल्स टू वन टू एन डेल एल बाय क्यूके डेल क्यूके प्लस डेल एल बाय डेल क्यूके डॉट डेल क्यूके डॉट डी टी अगले स्टेप में हम लोग क्या किए डेल के डॉट को लिख दिए डी बाय डी टी ऑफ डेल के बाकी सारे टर्म्स पहले जैसे हैं एंड दिस इंप्लाइज दिस डेल एस इज सिग्मा के इक्वल्स टू वन टू एन इंटीग्रेशन टी नोट टू टी वन डेल एल बाय डेल क्यू के डेल क्यूके डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी नोट टू टी वन डेल एल बाय डेल क्यूके डॉट डी बाई डी टी ऑफ क्यू के डी टी अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ये जो इंटीग्रेशन है सेकेंड वाला इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन में हम लोग इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इस फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मान लेंगे और बाय पार्ट का यूज करेंगे तो इस तरह से हम लोग को मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फ्रॉम टी नोट टू टी वन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फ्रॉम टी नॉट टू टी वन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी अब हम लोग को पता है फॉर एक्चुअल मोशन डेल के टी नॉट और डेल के टी वन दोनों जीरो होंगे इस तरह से ये टर्म हम लोग का जीरो हो जाएगा तो डेल एस के वैल्यू में केवल ये दोनों टर्म्स बचेंगे तो उन दोनों टर्म्स को यहां पर नीचे लिखे हुए हैं देखिए आफ्टर दैट हम लोग इस एक्सप्रेशन में इन दोनों इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का साइन और डेल क्यू के कॉमन कर लिए तो हम लोग को डेल एस का वैल्यू ये एक्सप्रेशन मिला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आफ्टर दैट हम लोग लंगराइज इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे लंगराइज इक्वेशन ऑफ मोशन के अनुसार डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल के डॉट माइनस डेल एल बाय डेल QK इक्वल्स टू जीरो होगा फॉर ऑल के इक्वल्स टू वन कोमा टू कोमा थ्री डॉट 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 टू एन और इस तरह से ये एक्सप्रेशन हम लोग का जीरो हो जाएगा अब ये एक्सप्रेशन जीरो हो गया। इसका मतलब डेल एस का वैल्यू जीरो मिला एंड सिंस डेल ए इक्वल्स टू हम लोग का डेल एस आया है सो डेल एस इक्वल्स टू जीरो मिला हम लोग को इसलिए डेल ऑफ ए का वैल्यू भी जीरो हो गया एंड दिस प्रूव्स प्रिंसिपल ऑफ List action. Thank you.